हेलो दोस्तों, एविल रिंगमा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हॉन्टेड और मिस्टीरियस होने वाली है, जहां हम भारत की एक ऐसी हॉन्टेड हिल के बारे में बात करेंगे जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मिस्टीरियस प्लेसेस हैं, हॉन्टेड प्लेसेस हैं, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस तरह कनेक्टेड हैं कि आसपास के लोग बात करने से भी डरते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हॉन्टेड, मिस्टीरियस और दहशत भरा सफ़र। हॉन्टेड बंगलो। दोस्तों, उत्तराखंड एक बहुत सुंदर जगह है और वहीं ये जगह हॉन्टेड भी है। यहाँ पर एक ऐसी हिल है, एबे हिल, जहाँ एबे बंगलो है और साथ ही एक मिस्टीरियस चर्च है और वहीं साइड है सीमेंट्री, जो कि एक हॉन्टेड सीमेंट्री है। यहाँ की कहानी बहुत दहशत भरी है और ये हिल हॉन्टेड है इस बंगलो, सीमेंट्री और चर्च की वजह से। ये जगह है लोहाघाट में, जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आइए शुरू से शुरू करते हैं जब ये बंगलो बना था। ये बंगलो 1905 में बनाया गया था। इस बंगलो में करीब एक दर्जन कमरे हैं और ये बहुत सुंदर था। उसके बाद यहाँ एक फैमिली रहने आई थी, जो यहाँ बहुत साल रही और फिर इस जगह को डोनेट कर दिया गया और ये जगह हॉस्पिटल को दे दी गई। शुरुआत में हॉस्पिटल अपने एनवायरनमेंट और अच्छी डॉक्टर की सर्विसेज के लिए जाना जाता था, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल बहुत बहुत फेमस हुआ और लोग इस हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करने लगे। कई लोग तो ये तक बताते हैं कि पेशेंट अपनी बीमारी को लेकर हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल को घर जैसा समझे, इसलिए इस हॉस्पिटल में हमेशा मधुर संगीत बजते थे। पर फिर आया एक डॉक्टर जिसका नाम था मॉरिस, जो कि आसपास वालों की माने तो जो फैमिली यहाँ रहा करती थी उसका ही मेंबर था। यानी डॉक्टर मॉरिस का बचपन इस हॉस्पिटल में ही बीता था, जब ये हॉस्पिटल नहीं, मॉरिस फैमिली का घर था। मॉरिस ऐसा दावा करता था कि उसके पास कुछ शक्तियाँ हैं जो ये बता देती थी कि पेशेंट कब तक मरेगा या फिर वो कब तक जिएगा। जिस भी तकलीफ से कोई पेशेंट जूझ रहा है, क्या वो उस तकलीफ से ठीक हो पाएगा या नहीं, ये सारी बातें मॉरिस अपनी शक्तियों से बता दिया करता था। मॉरिस की हॉस्पिटल में एक अच्छी पोजीशन थी, इसलिए उसने हॉस्पिटल में एक रूम बनवाया था और उसको नाम दिया मुक्ति कोठरी। अब ये रूम कुछ लोग मोक्ष का रूम, वहीं कुछ लोग रूम ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। जैसा नाम इस रूम का, वैसा ही काम। जब भी कोई पेशेंट को ये बताया जाता था कि वो अब कुछ दिन का मेहमान है, तो उसे इस रूम में शिफ्ट कर दिया जाता था और जब तक वो मर नहीं जाता, उस पेशेंट को बाहर नहीं निकालते थे। तो इस हिसाब से यहाँ की कहानी यूं होती थी कि जब भी कोई पेशेंट मॉरिस के अकॉर्डिंग मरने वाला होता था, तो उसे इस कोठरी में डाल दिया जाता था। लेकिन क्या सच में मॉरिस के पास ऐसी कोई सुपर पावर्स थी? आइए हम आपको बताते हैं एक सच इन सुपर पावर्स का। दरअसल मॉरिस यहाँ पेशेंट को पागल बनाता था अपनी पावर जैसी बातों को ऊंचा बनाने के लिए। वो पेशेंट को मार दिया करता था, जिससे वो फेमस हो जाए, और उन पेशेंट्स का मर्डर मुक्ति कोठरी में किया जाता था। साथ ही उनकी बॉडी से पार्ट निकालकर वो कुछ पार्ट बेच दिया करता था, जिसे प्रॉफिट कमाकर थोड़ा हिस्सा वो पेशेंट के लीगल हायर्स को दे दिया करता था, जिसके कारण मरने वाले लोगों की फैमिली ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करती थी। उस मुक्ति कोठरी में इतनी सारी डेथ्स, मर्डर किए मॉरिस ने कि वो कोठरी उन मरने वालों की आत्माओं से भर गई और हॉन्टेड हो गई। कहते हैं जब मॉरिस की सच्चाई सामने आने वाली थी, तो कई बारी उस कोठरी में जाने वाला पेशेंट ऑटोमेटिकली डेड पाया जाता था। जैसा नाम था, वैसा ही कोठरी में जाने वाले के साथ होने लगा था। यानी मुक्ति मिल जाती थी उस व्यक्ति को। मॉरिस की हरकतें इस हॉस्पिटल को पता चली और फिर मॉरिस को इस कोठरी में बंद रखा गया और फिर पास की सीमेंट्री में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शायद उससे यहाँ मर्डर होने बंद हो गए, पर हॉन्टेड चीज़ें और बढ़ गई। उसके बाद मुक्ति कोठरी को डेड बॉडी रूम बना दिया गया, जहाँ डेड बॉडीज़ को रखा जाता था और वहाँ स्टाफ ने मरी हुई डेड बॉडीज़ को चलते हुए देखा है। साथ ही यहाँ इस हॉस्पिटल में मुक्ति कोठरी से हॉस्पिटल स्टाफ ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी है। कई लोगों ने हॉस्पिटल में परछाई भी देखी है।
यहाँ आने वाले पेशेंट की इस दहशत की वजह से डेथ्स बढ़ गई और बहुत रेपुटेशन खराब हो गई इस हॉस्पिटल की। इससे परेशान होकर डॉक्टर्स और स्टाफ की टीम ने पास के चर्च में पूजा की और वहाँ के प्रीस्ट ने इस हॉस्पिटल को खाली कर देने की सलाह दी। उसके बाद ये हॉस्पिटल बंद हो गया। ये चर्च 1942 में बनाया गया था और इस चर्च को बहुत मिसीरियस माना जाता है। साथ ही बाहर एक बोर्ड भी लगा है कि अगर कोई भूत प्रेत से परेशान हो तो यहाँ पूजा करो, जिससे उसे छुटकारा मिल जाएगा। अब इस चर्च पे ताला लगा है। इस चर्च को आम चर्च नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ कुछ अच्छी शक्तियाँ हैं जो पूजा करने वाले की बुरी शक्तियों पर भारी पड़ती है। अब बात करते हैं सिमेंट्री की। ये सिमेंट्री बहुत ही भूतिया और हॉन्टेड जगह मानी जाती है क्योंकि अक्सर जब भी यहाँ पास से लोग गुजरते हैं तो उन्होंने यहाँ से रोने की आवाज़ें सुनी हैं। अब ये बात कितनी हद तक सच है ये तो यहाँ पूजा करने वाला ही जाने। इस सिमेंट्री के हॉन्टेड होने का कारण ऐसा बताया जाता है कि यहाँ हुई डेथ्स हैं। जो भी मॉरिस मर्डर करता था उन सारी डेड बॉडीज़ को मॉरिस इस सिमेंट्री में दफना दिया करता था। कई लोग जो पुराने हैं वो यहाँ तक मानते हैं कि जब ये एबे बंगलो बना था तब यहाँ कोई सीमेंट्री थी ही नहीं। यहाँ पर एक गार्डन था। फिर हॉस्पिटल इस जगह को वेस्ट डिस्पोज करने के लिए यूज़ करने लगा और मॉरिस यहाँ डेड बॉडीज़ को गाड़ने लगा। धीरे धीरे ये सीमेंट्री बन गई और हॉन्टेड हो गई क्योंकि यहाँ उनकी डेड बॉडीज़ है जिनका ज़बरदस्ती मर्डर किया गया। सोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ आखिरी डेड बॉडी मॉरिस की है। बंगलों के भी हॉन्टेड किस्से कहानियाँ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। तभी पास रहने वाले लोगों ने इस बंगले के मुक्ति कोठरी को लॉक कर दिया और उस पर ताला लगा दिया और वो ताला पूजा पाठ से बंद किया गया। आज भी एबे बंगलों में वो कमरा लॉक्ड है और इसी की वजह से बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस कमरे के बंद होने की वजह से रुक गई है। आइए अब जानते हैं एबे बंगलों में जाने वाले के साथ क्या होता है। जो भी एबे बंगलों में जाता है वो इस बंगलों में बहुत एक्टिविटीज़ महसूस करता है। जैसे बंगलों में जाते ही बहुत चहल पहल रहती है। कई दरवाजे खिड़कियों पर साए दिखते हैं जो कि बस स्थिर रहते हैं। वहीं जो भी चर्च या सीमेंट्री के पास रात में जाता है वहाँ बोला जाता है कि कोई आदमी सीमेंट्री पर ज़ोर ज़ोर से रोता दिखाई देता है और पास जाने पर वो गायब हो जाता है, जो कि मॉरिस को माना जाता है। कहते हैं उसकी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली और उसे अपने किए मर्डर्स का बहुत अफसोस है। चर्च को हॉन्टेड नहीं माना जाता पर कई लोगों का दावा है कि इस चर्च में अपने आप रात को हलचल होती है। ये सब क्या है, सच है या झूठ, इस बात को और समझने के लिए चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ा जाए। चलते हैं इस जगह की पैरानॉर्मल टेस्ट पर। आज की डेट में ये एबे बंगलो सीमेंट्री और चर्च थोड़ी दूरी पर है, इसलिए इसे चारों दिशाओं से एक साथ टाइट फेंसिंग से बंद किया हुआ है। कोई भी यहाँ जाना पसंद नहीं करता और ना गांव के लोग चाहते कि यहाँ पर कोई जाए। कोई नया भटका हुआ मुसाफिर भी गलती से इस बंगलों में ना चला जाए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ जाने की परमिशन तो नहीं मिली पर किसी भी तरह वो न्यूज़ की टीम के साथ इस एरिया में घुस गए। इस एरिया में न्यूज़ 18 की टीम और साथ ही इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स गए थे। सबसे पहले बंगलों के पास पैरानॉर्मल सोसाइटी के मेंबर्स ने एक ट्रिक को इस्तेमाल किया जिसके अंदर अगर आसपास कोई भी मूवमेंट होती है स्पिरिट्स की तो उसके प्रिंट्स या फिगर दिखती हैं। यहाँ पर मेंबर ने ब्लैक चार्ट पेपर पर टेलकम फैला दिया और कुछ देर के लिए उसे छोड़ दिया गया। पैरानॉर्मल सोसाइटी का इस छोटी सी टेक्निक पर बहुत मानना था क्योंकि इन्होंने बहुत बार इस टेक्निक से स्पिरिट को नोटिस किया है। उस पेपर को छोड़कर वो टीम आगे बढ़ी अपने और पैरानॉर्मल टेस्ट की ओर। अब आगे बंगलों की खिड़की की ओर कई लोगों ने सायों आत्माओं को देखने की शिकायत की है, इसलिए यहाँ इस्तेमाल किया गया मोशन सेंसर का। ये कोई आम मोशन सेंसर नहीं है, ये एक इंफ्रारेड मोशन सेंसर था जो आसपास से गुजरने वाली किसी भी चीज़ की डिटेक्शन पर ग्लो करता है और यहाँ लगाते ही इंस्टेंटली ये लाइट ग्लो करने लगी। जी हाँ, इसे लगाते ही यहाँ पर लाइट ग्लो करने लगी। ये सब काफ़ी हैरत अंगेज था, इसलिए इसे 2-3 बार रीलोकेट किया गया और रिजल्ट सेम था कि वो कॉन्टीन्यूसली
ग्लो करे जा रही थी। इसका मतलब तो यहाँ इन लोगों के अलावा इन लोगों के साथ कोई और भी था जो नेगेटिव एनर्जी के रूप में था। ये इंफ्रारेड ग्लो हवा के कारण भी कर सकती थी, इसलिए इसे कवर करके भी रखा गया और रिजल्ट वही सेम था, यानी ये लाइट ग्लो करे ही जा रही थी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ से काफ़ी हद तक हैरान थे, इसलिए अब यहाँ EMF रीडर का इस्तेमाल किया गया, पर वो यहाँ पर वर्क नहीं करा, जिसके दो मतलब हो सकते हैं। एक, या तो वहाँ कोई और नहीं था, यानी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। दूसरा, वहाँ जो भी था वो पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक्सपर्ट से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। आपको बता दें, EMF रीडर वो रीडर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के होने पर वर्क करता है, और कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ही कम्युनिकेट करती है। अब यहाँ से एक्सपर्ट्स आगे बढ़े सिमेट्री की तरफ, जहाँ अक्सर एक आदमी रोता हुआ दिखता है लोगों को। यहाँ पर डायरेक्टली EMF रीडर के थ्रू बातें की गई, जिसमें लाइट्स भी ब्लिंक हुई। एक क्वेश्चन के दौरान जब यहाँ बोला गया कि यहाँ माइक है, आप हमसे बात कर सकते हैं, और तभी अचानक माइक गिर गया। क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, या अपना कोई संदेश या कोई बात हम तक पहुँचाना चाहता है? मेरे सीधे हाथ पर एक मशीन रखी है, उसमें लाल लाइट जल रही है। उसके बाद कोई लाइट में ब्लिंक नहीं देखा गया। फिर इस सिमेट्री से एक्सपर्ट्स ने बिना किसी को परेशान किए निकलना ही सही समझा। पर कुछ देर पहले ब्लैक पेपर पर टेलकॉम की टेक्निक को अब देखने का वक्त था, जहां एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। जो पहले टेलकॉम फैलाया गया था वो एक सार फैलाया गया था, और अब उसमें चेंज आ गया था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ एक फेस दिखाई दे रहा था, और वो फेस किसी बुजुर्ग का था। सरेने जैसा चेहरा होता, उसी शेप, वही शेप है। हाँ, अब आपके कहने से मुझे वाकई में ये एहसास हुआ कि अगर मैं इसको देखूं तो ये उसका मुंह है, ये आंखें हैं, और ये पूरा सर है। तो ऐसा जैसे किसी का चेहरा बना हुआ, और मतलब जैसे एक होता ना ओल्ड, मतलब ओल्ड फेस टाइप, बूढ़ा आदमी। ये सारी टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स बहुत सारे इंटरनेशनल घोस्ट बस्टर्स भी यूज़ करते हैं, और पैरानॉर्मल सोसाइटी भी इन टेक्निक्स को पूरी तरह समझने के बाद ही इस्तेमाल करता है। यहाँ से कुछ तस्वीरें भी क्लिक की गई, जिन्हें बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया, और उनमें से एक तस्वीर में टीम के जस्ट पीछे एक खिड़की पर एक बड़ा ही अजीब चेहरा दिखाई दिया, जिसकी दो आँखें दिख रही थी, और वो ऐसा लग रहा था कि इस टीम की हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहा है, साथ ही उनके साथ साए की तरह उनके साथ घूम रहा है। इस बंगलों में जो भी एक्टिविटीज़ न्यूज़ और पैरानॉर्मल सोसाइटी के मेंबर्स ने नोटिस की, वो काफ़ी अजीब थी, पैरानॉर्मल थी, और उनके हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज तो है, लेकिन 100% इसे साइंस नहीं मानता। साइंस की माने तो खिड़की पर एक इल्यूजन था, या फिर मैट्रिक्स पोर्ट्रे था जो दिमाग पोर्ट्रे कर रहा था। पर फिर ये बंगलों बंद क्यों हैं? क्यों इसके चारों कोनों में टाइट फेंसिंग की गई है? क्यों कोई नहीं चाहता यहाँ जाना? आसपास के लोगों की माने तो ये वीरान सुनसान सुंदर सा दिखने वाला बंगलो दिन में तो अपनी ओर आकर्षित करता है, और रात में आत्माओं से भर जाता है। ये बंगलो एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पर है, और जिस तरह हर कोने से फेंसिंग से बंद है, उस तरह यहाँ अंदर जाना नामुमकिन है। भूत प्रेत जैसी बातों को बहुत लोग नहीं मानते, या उन बातों को अफवाह समझा जाता है। साइंस भी इसे नेगेटिव एनर्जी कह देता है। पर एबे बंगलो जैसी कई लोकेशंस हैं जो वीरान हैं, जहां दावा किया जाता है आत्माओं का, और शायद ये रहस्यमय जगहें हमेशा लॉक्ड ही रहें। ये लोकेशन हमें बहुत हॉन्टेड लगी, और जिस तरह फेंसिंग से ब्लॉक्ड है, चेतावनियों से भरी है, उस तरह इस जगह के बारे में जानने का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नई मिस्टीरियस हॉन्टेड वीडियो के साथ। आप लोग क्या मानते हो? क्या लगता है एबे बंगलो के बारे में? क्या सच में ये जगह हॉन्टेड है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।